हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द किचन का जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और अंडे की सब्जी। तो मैंने यहाँ पे 3 आलू ऐसे उबाल लिए हैं और उबाल कर छील कर रख लिया है, और मैंने 3 आलू काट लिए मीडियम साइज के और इस तरह से क्यूब्स काट लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह की एक कढ़ाई रख ली है। चलिए गैस को ऑन कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे तेल। तो कढ़ाई हमारी यहाँ पे गरम हो गई है। चलिए हम डाल लेते हैं तेल। तो तेल यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि अंडे को मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। तो यहाँ पे हम अंडों को इस तरह से कट लगा लेंगे चाकू से ऐसे कट लगा लेंगे, और उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। जो टेस्ट की अंडे में वो बढ़ जाता है। इसका हल्का सा हम नमक छिड़केंगे और हल्का सा हम डालेंगे इसमें हल्दी, यानी कि छोटे चम्मच हम डाल रहे हैं हल्दी, और इसको हम इसी तरह से बस फ्राई करेंगे। देख लें फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट भी करें। तो फ्राई हो चुका है, तो चलिए अंडे को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने एक बाउल में निकाल लिया है अंडों को। अब इसी में हम थोड़ा और तेल डालेंगे। और हम डालेंगे यहाँ पे गरम मसाला। मैंने लिया है 2 लौंग और 1 छोटी दालचीनी। अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज। फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दीजिए। इसमें प्याज डालेंगे। टेस्टी बनती है अपने आलू की सब्जी। तो इस तरह से हम जो प्याज है उसको थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे, ज्यादा नहीं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ी सी हल्दी, 1 छोटा चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी। फ्लेम को यहाँ पे स्लो कर लें। बस 2 बार इस तरह से मिलाएं ताकि अदरक के अंदर जो स्मेल है वो बस चली जाए, जो कच्चापन है वो थोड़ा सा हट जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे आलू कटे हुए। इस तरह से हम आलू डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 कटे हुए टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च। ये साथ में ही जल जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। इस तरह से हम डाल देंगे, क्योंकि आलू और टमाटर साथ में ही जल जाएंगे, और हम साथ ही इसके अंदर डाल के 5 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और आलू साथ में डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे नमक। एक चम्मच यहाँ पे नमक डाल रही हूँ मैं। नमक टेस्ट के हिसाब से डालें, ज्यादा आप ना डालें, देखकर डालें। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और इसको स्लो फ्लेम में हम इसको गलने के लिए छोड़ेंगे आलू और टमाटर को। इस तरह से मिला दिया है मैंने, और स्लो फ्लेम में मैं ढक्कन यहाँ पे इसको से ढाक दूंगी और 5 मिनट के लिए इसको मैं गलने दूंगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए ओपन करके देखते हैं।
तो आप देख सकते हैं आलू और टमाटर यहाँ पे हमारे गल गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया का पाउडर। इसमें जीरा और गरम मसाला मिक्स है, अगर आपके पास अलग अलग है आप आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल लें। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच से डेढ़ चम्मच हम डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। तो तीखा आप अपने हिसाब से डाल लें, अगर आप कम खाते हैं तो कम डाल लें, ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा डाल लें। तो यहाँ पर हम इसको मिला लेंगे और हल्के से हम यहाँ पे डालेंगे पानी, ज्यादा नहीं, हमको सालन नहीं बनाना है, सब्जी के ही टेक्सचर में रखेंगे, इसलिए मैंने बिल्कुल ही कम डाला है पानी, जिसमें बाकी का जो अंडा हम इसमें डालेंगे वो आराम से इसमें पक जाए। तो इस तरह से हम इसको टेक्सचर को रखेंगे, गाढ़ा ही रहेगा ये सब्जी के तरह, तो गाढ़ा ही रहेगा ये। तो अब हम डालेंगे इसमें तीन अंडे जो हमने तल के रख लिए थे और इसको हम इसके साथ अब पकाएंगे। फ्लेम को हाई पे रख लें, बस आधा ग्लास वाटर ऐड करना है आपको, ज्यादा नहीं, आधा ग्लास भर का हम इसमें, हमने इसे पानी डाला है और इसको हम अच्छे से इस तरह से मिक्सअप कर देंगे और पांच मिनट इसको हम पकाएंगे। तो जैसे ही एक बॉईल आ जाता है, देख रहे हैं आप, सारा हमारा जो सब्जी में जो पानी हमने डाला है कंसिस्टेंसी वो पक रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा स्लो कर देंगे और इसको और पांच मिनट ऐसे ही हम पकाएंगे। तो चलिए पांच मिनट और हो चुके हैं, यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं तेल यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, मतलब हमारा जो सालन है, जो सब्जी है, जो हमारी सब्जी है वो बन गई है। ज्यादा हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ आधा ग्लास मैंने पानी डाला है इसमें। तो चेक कर लें आपका आलू यहाँ पे गल गया है। तो यहाँ पे अंडे आलू की सब्जी तैयार हो गई है। लास्टली हम इसमें डालेंगे धनिया की पत्ती, हमारा यहाँ पे अंडे आलू की सब्जी रेडी हो गई है। अब इसको गर्मा गर्म आप चावल के साथ, रोटी के साथ या पराठे के साथ आप एंजॉय करें, अपने फ्रेंड्स अपने फैमिलीज को खिलाएं, खाएं और खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।